दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जानकारी दीजिए कि बकरी गाभिन कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि बकरी गाभिन कैसे होती है। तो बकरी गाभिन कैसे होती है ये जानने के लिए जो पहला पार्ट है उसमें आपको जानना पड़ेगा कि बकरी के जनन अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। भाई पहला टॉपिक तो यही है जिसको आप पहचाने। इसीलिए हमने एक मॉडल जो मैं हर बार आपको बताता हूँ वो मॉडल हमने लिया है जिसके अंदर हमने इंटरनल ऑर्गन को लिया है। ये इंटरनल ऑर्गन जो है वो किस तरीके का है उसे पहले समझना जरूरी होता है। बकरियों में बिल्कुल छोटा मिलता है लेकिन वो छोटा कैसा मिलता है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अंदर आखिर है क्या। तो अंदर जो मेन चीज़ है जिसको हम बच्चेदानी से संबोधित करते हैं वो चीज़ है फ्रेंड ये। इसको पहले आप देख लीजिए फिर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग अलग डायग्राम से आपको करवा दूंगा। इसमें आप देखिए कि ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है आपको इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब होता है गर्भाशय का मुख। तो ऐसा मुख जो है वो अंदर मिलता है, लंबा सा मिलता है। और इस गर्भाशय मुख का भी मुख होता है जिसको हम बोलते हैं ओस। यानी कि ये हुई सर्विक्स, ये सर्विक्स है यहां से यहां तक की मैंने आपको बताया। इसका जो मुंह है इसको हम बोलते हैं ओस। ओस का मतलब होता है सर्विक्स का मुंह, ओस जो कि बच्चेदानी का बाहर का जो छेद है मेन उसको हम ओस बोलते हैं। ये ओस भी दो होते हैं, एक इधर होता है तो एक इधर होता है, जिसको इसको तो एक्सटर्नल ओस कह देते हैं यानी बाहर का, और इसको बोल देते हैं इंटरनल ओस यानी ये अंदर का होता है तो इसको इंटरनल ओस बोल देते हैं। हो गई बात यहाँ तक क्लियर। अब ओस के जस्ट आगे होती है बॉडी ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस की बॉडी होती है। ये यहाँ से ये यूट्रस का मुंह है और आगे बॉडी आती है। ये यहाँ वाली जो स्थिति है ना ये होती है बॉडी, यानी इसको आप बोल सकते हैं बॉडी ऑफ यूटरस, बॉडी ऑफ यूटरस। अब ये जो बॉडी ऑफ यूटरस थोड़ा छोटा सा पार्ट होता है उसके आगे जाकर के ये दो भागों में बढ़ जाती है जिसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ यूटरस। क्या बोलते हैं भाई? ये दोनों है हॉर्न। ये दो दिख रहे हैं आपको, एक लेफ्ट होता है जो लेफ्ट की तरफ रहता है, एक राइट होता है जो राइट की तरफ रहता है। तो ये है दोनों हॉर्न, हॉर्न ऑफ यूट्रस। इन हॉर्न ऑफ यूट्रस के आगे अगर हम देखें तो ऐसी एक पतली आपको एक नली दिख रही है, दोनों तरफ नली नुमा संरचना दिख रही है। ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है? तो इसको आप ओविडक्ट के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो ये होती है ओविडक्ट, और ओविडक्ट का जो लास्ट का हिस्सा होता है वो इस तरीके से कीप नुमा होता है जो इनफंडिबुलम कहलाता है, ऐसा फनल जैसा। तो ये जो इनफंडिबुलम है इसी के ऊपर रहती है ओवरी, जो ये गोल आपको दिख रही है ये है ओवरी। तो भाई ये सारी स्थितियां थी जो नॉर्मल कंडीशन आपको मैंने बताई, ये इस तरीके से होती है। यानी अगर हम जनन अंगों को गाभिन कैसे होती है उसको समझने से पहले जनन अंगों को समझें तो ये इस तरीके से अंदर होते हैं। यानी ये जो पार्ट है ये सारे के सारे पार्ट फ्रेंड्स अंदर है। अब बाहर से हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसको भी थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये तो चलो अंदर के पार्ट हो गए, ठीक है? यानी बकरी के अंदर इस तरीके की संरचना बच्चेदानी के रूप में होती है। अब बाहर से इसकी तुलना करें कि आखिर होती कहाँ है, होती कहाँ है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। ये कर दिया, ठीक है? अब देखिए बाहर से जब हम बकरी को देखते हैं तो हमें ऊपर एक छिद्र मिलता है। आप पीछे से देखेंगे तो दो छिद्र आपको मिलेंगे। ऊपर जो होता है उसे हम एनस बोलते हैं, एनस। जैसे ये जो छेद है वो हो गया एनस। एनस का मतलब है जिधर से बकरी मींगनी करती है वो है एनस, या इसको एनल ओपनिंग भी बोलते हैं, एनल ओपनिंग। इसके अंदर होता है रेक्टम जहाँ पर मींगनियाँ संग्रहित रहती है, ये होता है रेक्टम, ठीक है? तो ये हो गया भाई रेक्टम। तो ये रेक्टम हो गया मलाशय जिसे कहते हैं, जिसके अंदर मींगनियाँ इकट्ठी रहती है, और ये एनस जिसके द्वारा मींगनियाँ जो है वो बाहर निकलती है। ऐसी स्ट्रक्चर हमें बाहर से दिखती है एनस वाली। उसके जस्ट नीचे होती है और वो होती है
कुछ इस तरीके की संरचना जो आपको बकरी में दिखती है, इस तरीके की संरचना। और ये जो संरचना होती है ये होते हैं वल्वा। क्या होते हैं? वल्वा। यानी ये जो वल्वा है इसके दो लिप्स होते हैं, एक इधर एक इधर, जिनको हम वल्वर लिप्स बोलते हैं। यानी उनको क्या बोलते हैं? वल्वर लिप्स। तो ये हो गए आपके नंबर वन एंड नंबर टू, ये वल्वर लिप्स हो गए। आगे बात समझ में? इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, सही रहेगा। ये वल्वर लिप्स हो गए, ये आपको बाहर से दिखते हैं। अब ये जो दोनों चीजें आपको बाहर से दिखती है, इसमें भी यानी आपने दूर से देखा दो छेद आपको मिलेंगे। नीचे जो है वो वल्वर पार्ट है, जो वल्वा आपको दिख रहे हैं, जिसको वेजाइनल ओपनिंग भी कहते हैं, और ऊपर जो है वो एनस है। ये तो बाहर से आपको दूर से दिख गए, लेकिन इसके अंदर भी दो छिद्र होते हैं, दो ओपनिंग्स इसके अंदर होती है। जो ऊपर ओपनिंग होती है ये, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। यानी ये जो होती है ये वेजाइनल ओपनिंग है, यानी वेजाइना में खुलती है, ठीक है। और यहां पर ये जो नीचे होती है ना, एक नीचे और भी ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ये होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी इधर से पेशाब करती है, और ये जो है ये है वेजाइना का पार्ट, जिधर से बच्चे का जन्म होता है, यहां से। और यहीं से जो बकरा क्रॉस करता है वो यहीं से करता है, और यहाँ ये जो पार्ट है ये आगे जाकर के और बनता है वेजाइना में। ये यहाँ ऐसे है, इस तरीके से ये वेजाइना जुड़ी रहती है। ये जो पार्ट मैंने अभी दिखाया है ये पार्ट होता है वेजाइना का, ठीक है। ये सारे पार्ट जो है वो हम खोल करके निकाल करके बताते हैं, वो हमारे ऑनलाइन सेशन में बताते हैं। अगर आपको गॉट AI, गॉट PD या गॉट जेनिटल ट्रैक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सीखना है, तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जा सकते हैं, और वहाँ पर गॉट क्लासेस के नाम से आपको क्लासेस मिलेगी, जिसमें बहुत सारी क्लासेस है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आपकी कमजोरी है वो आप आराम से देख सकते हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये वेजाइनल पार्ट है जो कि वल्वर पार्ट के अंदर रहता है। अब यहां पर देखिए, जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, एक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, इसको आप मन में बसा लीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आप बकरी पालक हैं, या आप प्रोफेशनल व्यवसायिक बकरी पालन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब देखो इसको पूरा अच्छी तरीके से देख लो। बाहर से आपको दो छिद्र दिखे, एक NS वाला था, एक वल्वर पार्ट वाला था, दोनों देख लिए। NS आगे जाकर के रेक्टम में गया, जिसमें मेंगनी रहती है, और इधर यहाँ पर वल्वा में भी दो पार्ट मिल गए हमें। वल्वर जो लिप्स है उसमें ढके हुए दो पार्ट मिल गए, एक मिल गया वेजाइनल ओपनिंग, एक मिल गई यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और आगे जाते ही ये जो पार्ट है ये आ गया वेजाइना, और वेजाइना से जो ही हम आगे जाएंगे, वेजाइना से जो ही हम आगे जाते हैं, तो आगे मिलती है ये सर्विक्स, ये इसका ऑस है, ये फिर दो भागों में बढ़ जाएगी हॉर्न में। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको मिलेगा। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर आप इस पर ज़्यादा प्यार देते हैं और ज़्यादा निवेदन करेंगे, तो मैं ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या काम होता है ग्याबिन होते वक्त, वो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में और लेके आऊँगा।